Meanwhile, hey guys, what's up? Welcome back to my channel and स्वागत है आप सभी का एक brand new vlog में। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा pumped up दिखूंगा, मतलब already pumped up हो चुका हूँ, सोच के जो modification करने वाले हैं ना हम अपने bike में। तो बिना कोई time waste करे सीधा चलते हैं modification पे। उसके पहले आपको एक छोटी सी request करना चाहूंगा, अगर आपको ये video पसंद आती है तो please जरूर से इस video को like कर देना। चैनल पे नए हो और भी ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो, मॉडिफिकेशन वीडियोस देखना चाहते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये दो क्लिक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइटल थंबनेल देख के आपको पता चल गया रहेगा कि आज हम अपने हॉर्नेट में एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन करने वाले। आप ये जो देख रहे हो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, स्पेशली मेड फॉर होंडा हॉर्नेट, मतलब ये कोई दूसरे बाइक का नहीं है। और इस सो हे गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्शन बट आई वांट टू से समथिंग। ये जो मैंने एग्जॉस्ट मंगाया था ना अपने बाइक के लिए, ये बहुत ही अच्छे से पैक होके आया था। और एक आप स्क्रीन पे ओवरले देख पा रहे हो, ये ऐसे पैकेजिंग में आता है। और इसके ऊपर मैंने अलग से अनबॉक्सिंग वीडियो शूट की थी, बट somehow पता नहीं वो फाइल कैसे करप्ट हो गई, वो रिकॉर्डिंग मेरे को नहीं मिली। बट नो वरीज, मैं वीडियो में आगे उसके बारे में बताया और कवर कर लिया है। एंड यही कहना था आपसे, नाउ यू कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो में हम कोई भी कटिंग या वेल्डिंग नहीं किए। ये जो आप बैंड पाइप देख रहे हो स्पेशली मेड फॉर होंडा हॉर्नेट है, और ये खाली इस बाइक के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास होंडा हॉर्नेट 160R है, जो कि ये बाइक है, इसका अपडेटेड वर्जन है एक होंडा हॉर्नेट 2.0 और CB200X, तीनों ही बाइक के लिए कस्टम मेड हैंड बैंड पाइप्स अवेलेबल है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए सो स्क्रीन पर भी एक इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, यू कैन परचेज दिस बैंड पाइप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट फ्रॉम रोड एग्जॉस्ट। इनको आप सीधा इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आप इनका व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से भी इनको कांटेक्ट कर सकते हो, दे विल हेल्प फॉर यू। और मैं आपको बता दूं, ये कस्टम मेड बैंड पाइप है, स्पेशली मेड फॉर होंडा हॉर्नेट। तो सीधा हेडर से लेके कंप्लीट बैंड पाइप है ये पीछे तक। आपने होंडा हॉर्नेट के एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन पे बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे यूट्यूब पे, बट वो क्या करते हैं, जो कंपनी के साथ कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट आता है उसको आधे से काट के बीच में कोई भी एक पाइप लगा देते हैं और वो वेल्ड कर देते हैं। वो बहुत ही गंदा लुक देता है और उसके अंदर रस्टिंग भी पकड़ जाता है क्योंकि वो वेल्डिंग भी ठीक नहीं देती। ये कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का बैंड पाइप है और बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और ये नॉर्मल बैंड पाइप नहीं है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बैंड पाइप है, जिससे कि आपका बाइक का जो बैक प्रेशर रहता है वो भी बना रहेगा। और ये मफलर है वो मैंने एक्रापोविक का चूज किया है, एज यू कैन सी देयर इज अ बैजिंग ओवर हियर। फर्स्ट कॉपी है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। अगर आप इसको हाथ में पकड़ के फील करोगे तो बहुत ही प्रीमियम फील होता है। ये आता है डीपी किलर के साथ आता है, तो फटाफट अभी इसका मैं आपको आवाज सुना देता हूँ, हाउ इट साउंड्स। सो कर लेते बाइक को न्यूट्रल में, न्यूट्रल है। सो रेविंग द इंजन, तो डीपी किलर के साथ बहुत ही स्मूथिंग साउंड है और कम साउंड है, ऑल दो कानों में बिल्कुल नहीं चुभ रही है। एक बार इसका डीपी किलर निकालते हो और आपको आवाज सुनाता हूं। सो ये डीपी किलर अभी इसका मैंने निकाल लिया है, इसको रख देते इधर। और अभी आप देख सकते हो ये बिना डीपी किलर का है, तो एक बार बिना डीपी किलर का भी आपको आवाज सुना देता हूं। रेविंग द इंजन, सो नो डाउट डीपी किलर निकालने के बाद और भी बेस इनहेंस हो गया है, और भी लाउड हो गया है, बहुत ही अच्छी साउंड आ रही है, मतलब कानों में चुभ नहीं रही है बिल्कुल भी, एग्जॉस्ट फट नहीं रहा है। क्योंकि मैं आपको बोला ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बैंड पाइप है, तो इसके अंदर है ना कैटलिक कन्वर्टर प्री इंस्टॉल आता है, और ये एक फुल सिस्टम है, कोई भी वेल्डिंग नहीं किए। वापस बोल रहा हूं, अगर आपको ये प्रोडक्ट अपने बाइक के लिए चाहिए, अभी फिलहाल तीन बाइक के लिए अवेलेबल है, होंडा हॉर्नेट 160R, होंडा हॉर्नेट 2.0 और CB200X, तीनों ही बाइक के लिए कस्टम मेड हैंडक्राफ्टेड बैंड पाइप अवेलेबल है, फुल सिस्टम परफॉर्मेंस बैंड पाइप। सो आईडिया भी स्क्रीन पे आ रहा है, आप ये रोड एग्जॉस्ट से ले सकते हो,
डिस्क्रिप्शन में ये लोग का व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप वहाँ उनको वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो और दे विल हेल्प फॉर यू। और मैं आपको एक और बात बताना भूल ही गया, आपको मार्केट में बहुत सारे एक्रापॉवी के सिस्टम मिल जाएगा, पर ये फर्स्ट कॉपी है और ये बहुत प्रीमियम है, ये आप वेल डेक का ही बता सकते हो। तो ये बहुत हैवी भी है और प्रीमियम क्वालिटी का भी है। सो जो रेटलिंग का नाउस रहता है ना, वो नहीं आएगा इसके अंदर से, खाली बेसी साउंड ही आएगा, इसलिए मैं ये मफलर भी चूज़ किया। जितना कैन अपना लॉन्ग रहेगा उतना साउंड दब के आएगा और बेस ही आएगा। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop. और कुछ मैंने फ्लाई बाय शूट किए और एक दो लॉन्च शूट किए, तो आप वो भी देख लो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट रीड करूंगा 110% और आपका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अब तक ये वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ये दो क्लिक्स मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। और मिलता हूँ आप सभी से किसी और एक धमकदार वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, डोंट बी अ स्क्विड। और एक राइड करते से पहले एक अच्छा सा हेलमेट पहन लेना, आपकी जिम्मेदारी आपके हाथ में। ऑन दिस नोट, दिस इज मी आशीष साइनिंग ऑफ, बाय बाय। चलेगा, क्लियर आया आप, देखा है अभी, रील के लिए बना लेते, रील के लिए एक ले। So he's been looking for